शहर में एक रात में 5 अफराद की हलाकतें, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। थाना शालीमार की हदूद में दूसरी शादी करने पर साले ने बहनोई को कत्ल कर दिया। थाना लिटन रोड की हदूद में 30 साला शख्स पुरइसरार तौर पर हलाक। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अरसलान हैदर से। अरसलान बताएगा, शहर में ऐसे रोज आए दिन वाकयात सुनने को मिलते हैं, पुलिस की जानिब से रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं? के पुलिस की जाने से कोई इकदाम ऐसे अमल में नहीं लाए जा रहे कि शहर में एक रात में 5 अफराध जो है वो हलाकती हुई हैं, और पुलिस जो है वो किसी एक मुलजिम को और एक वाक्य को भी ट्रेस नहीं कर सकी। थाना शालीमार के हदूद में रात के पसंद की दूसरी शादी करने पर साले ने बेनोई को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और उसके बाद मुलजिम मौका से फरार हो गया। इसी तरह थाना लीडर रोड की दूसरे 30 साल शख्स जो था वो पूरी इसरार तौर पर हलाक हुआ, पुलिस इस बात को भी ट्रेस नहीं कर सकी, जबकि मुलंग से 60 साल नामलूम शख्स की जो है वो लाश बरामद हुई है। इसी तरह थाना पुरानी नारकली की हदूद में तेज रफ्तार ट्रॉलर ने माल रोड पर जो दो नौजवानों को बुरी तरह कुचल दिया और उसके बाद ड्राइवर जो था वो मौका से फरार हो गया, और जो बस ड्राइवर था अल बुराक कंपनी का वो एम्प्लॉय था। इसके बावजूद पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार करने में जो है वो नाकाम है और अभी तक किसी मामला की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये मामला कौन से थाने की हदूद में हुआ। पुलिस ने तमाम वाकयात के मुकदमा तो दर्ज कर दिए लेकिन और लाशों को मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिए, लेकिन पुलिस की जानिब से अभी तक ये बात सामने नहीं आ रही कि आखिर ये अपराध के जो मुलजमान थे उनको किस तरह से हिरासत में लिया जाएगा। जी, कत्ल की वारदातों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शुक्रिया अरसलान हैदर आपका।